आई लव यू नेपाल। नेपाल बहुत अच्छा है। तो रानी महल के पास आ चुके हैं, पीछे आपको रानी महल दिख रहा। और ये हम वादियों के बीच में रुके हुए हैं। पुल जो है टोटल लोहा का पुल है जो आप देख रहे हैं। नेपाल का ताजमहल है रानी महल। भौगोलिक रूप से सर आपको दिखाएंगे कि कैसे ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें तारिक सैफुल्ला एंड इज माय ब्रो खालिद सैफुल्ला। और ये मेरे भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं। और फिर से हम लोग हाजिर है एक नया ब्लॉग लेकर, एक नया कंट्री का। नेपाल में हम लोग अभी हैं। और इससे पहले हम लोग नेपाल को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया है, बहुत जगह को एक्सप्लोर किया है, पोखरा, वीरगंज, चितवन। और अभी हम लोग नए प्लेस को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, भूटवल। नेपाल में इतना अच्छा अच्छा जगह है कि आप घूमते रह जाओगे। तो अभी हम लोग आए हैं पालपा और भूटवल के तरफ। कैसा लग रहा है आप लोग को गाइस? बहुत अच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। लेट्स स्टार्ट। यो यो यो। या भैया जो है इंडियन पैसा को नेपाली में कन्वर्ट करा रहे। कहाँ गया पैसा? आपके पास है? अच्छा, पैसा रखा गया। और हम लोगों के पास दो गाड़ी है अवेलेबल। आपको इधर इधर दिख रहा होगा, एक ये गाड़ी है, एक उधर व्हाइट में गाड़ी है। और पहाड़, पहाड़ किधर है? ये देखिए, ये पहाड़ आपको दिख रहा होगा। और यहाँ मीटिंग चल रहा है कि कहाँ जाए, कौन सा जगह बेस्ट है जाने के लिए। कहाँ चलेंगे अभी हम लोग? पालपा चलेंगे। और ये देख सकते हैं, फाइनली हम लोग कार में आके बैठ चुके हैं। और ये जो हम लोग आ रहे हैं कार से, अपनी गाड़ी से हम लोग आ रहे हैं, अपने शहर बेतिया से आ रहे हैं। मैं जब भी नेपाल आया हूँ, नेपाल वालों का बहुत प्यार, स्नेह, मोहब्बत मिला मुझे। ये चीज देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, समझे? ये हम लोग थोड़ी देर पे हैं भाई, दूसरे गाड़ी में बैठे हैं, हम दूसरे गाड़ी में बैठे हैं। भाई वीडियो बनाए आप? हाँ, बहुत अच्छा अच्छा क्या सीन दिख रहा है अभी भी सामने, पूरा बादल लोगों कैसे दिख रहा है। बादल तो दिख रहा है, वो सीन आप लोग को भी अभी दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, पालपा चौकी है, वहाँ पे रुके हैं। यहाँ पर रोड टैक्स शायद लग रहा है 1000 नेपाली पर व्हीकल। लग रहा है पहाड़ों के बीच में है और बहुत ही सुहाना मौसम भी हो गया। उधर गर्मी लग रहा था, ऊपर आते आते थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है और एक नंबर। और ये हम वादियों के बीच में रुके हुए हैं नाश्ता करने के लिए। अगर हमारे साथ हमारे दोस्तों को देखिए वहाँ पे, अगर दिखाइएगा। चलिए ले चलते हैं यहाँ पे, आइए हम लोग भी कुछ नाश्ता कर रहे हैं। आइए 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 आइए, देखिए क्या नाश्ता कर रहे हैं, क्या खाया जा रहा है। यहाँ पर भैया नेपाली डिश खा रहे हैं, जिसको नेपाली में क्या कहते हैं भैया? भट्टू। और दाल डिश है ये। कैसा टेस्ट लग रहा है भैया? बहुत, चटनी बहुत अच्छा है। टमाटर का चटनी है क्या भैया? टमाटर बहुत अच्छा है, क्रिस्पी है, बहुत कुरकुरे एकदम। तो ये हम लोगों के चारों तरफ आपको पहाड़ दिख रहा होगा। ये देखिए वादियां वादियां हैं, ये देखिए ये पहाड़। क्या क्या बोलना चाहिएगा? बोलना चाहेंगे बहुत अच्छा लग रहा है। वेटर, यहाँ हम लोगों ने ब्रेक लिया था, कुछ ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रेक लिया था, तो चाय नाश्ता वगैरह कर लिए हैं। और यहाँ से फिर हम लोग निकले हैं वहाँ के लिए, पालपा के लिए। तो पालपा देखिए कितने देर में पहुँचते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है, मौसम कुछ सुहाना था लेकिन अभी थोड़ा सा बेगाना हो गया है। आगे फिर सुहाना। और वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत दृश्य नजारा देखने को मिल रहा है। उस तरफ देखेंगे तो बादल को हम लोग अपने आंखों से देख रहे हैं, क्या भाई? पहाड़ों पे बादल जो बन रहा है, पूरा घटा छाया हुआ है, एक नंबर। यो यो, चलिए तो फिर चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। चल चल। सो ब्यूटीफुल, सो वेरी जीट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। यहाँ पे आओ और देखो
ये पानी कैसे बहाव, पानी का बहाव। और ये देखो, वाओ वाओ वाओ, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। इस नज़ारे से प्यार हो जाएगा, जो रास्ता है, जो पहाड़ है, और ये बादल जो है। ओ ऑसम ऑसम ऑसम, बहुत ही खूबसूरत। मतलब ऐसे जगह पे आके एक सुकून जो मिलता है ना, सुकून, टेंशन फ्री हो जाता है इंसान। वेलकम टू पालपा। तो फाइनली हम लोग पालपा पहुंच गए और बहुत देर से सफर कर रहे थे, और मैं आप लोग को अब दिखाऊंगा ताजमहल नेपाल का। कहाँ पे आ गए हम लोग, कौन जगह, ये कौन सा जगह है? ये खानीगांव। खानीगांव पालपा। पालपा इधर आगे जाना है, रानी महल जाना। कोई रोड ठीक नहीं, कार नहीं जा सकते। इधर से जाए क्या? कार से जाना। दूसरे रास्ते से जाए? ठुलो गाड़ी जान सो, छोटा गाड़ी। हाँ छोटा गाड़ी, मैजिक मैजिक या बाइक? बाइक बाइक। तो ये कह रहे हैं कि रास्ता बहुत खराब है, और ये कह रहे हैं कि आगे हम लोग जा नहीं सकते हैं, छोटा गाड़ी जाता है। तो ये हम लोग रानी महल के पास आ चुके हैं। पीछे आप लोग को रानी महल दिख रहा होगा, वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ का रेस्टोरेंट जो था, खाने का खाना सही नहीं था क्या भाई? तो हम लोग नॉर्मली खाए हैं चाउमाओ वगैरह खाए, बिस्किट खाए। पुल आप लोग देखिएगा अभी लकड़ी का, मैं पार करता हूँ, फिर भाई पार करेंगे। ये देखिए भाई आ रहे हैं। मछली हाथ से पकड़ा जा रहा है, यहाँ देखिए। क्या भैया, कौन पानी गिरा रहा है जी? हाय, बोतल का फेंक दिया। क्या बोलना चाहिएगा? फीलिंग बहुत अच्छा है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत ज्यादा, फिर भी हम लोग इंजॉय करने आए, इंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है। अभी तो हम लोगों ने रानी महल को देखा नहीं, उतना दूर से हम लोग देखने के लिए आए। हमारा रानी महल है, देख लीजिए, दूर से हम लोग आए हैं उस चीज को देखने के लिए, रानी महल, लेकिन अभी तक हम देखे नहीं है। तो चला जाए, क्या बोलना चाहिएगा? मौसम अगर सुहाना रहता तो और ज्यादा मजा आता ना। खूबसूरत नजारा एकदम देखेंगे हम लोग, और ये नजारा को चार चांद लगा रहे हमारे खाली सर। मूविंग ब्रिज, हाँ हम लोग चढ़ने जा रहे हैं, मूविंग ब्रिज पे चलने जा रहे हैं। मूविंग ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज है। आप लोग पहले बताइए, गाइड बढ़िया से कीजिए आप लोग। एक आदमी मूविंग कर रहे हैं, एक आदमी हैंगिंग कर रहे हैं। हैंगिंग ब्रिज भी कह सकते हैं और हैंगिंग भी कह सकते। ये हमारा भोजपुरी में इसलिए कह सकते हैं कि वो हवा में लटक रहा है और चलेंगे तो मूव करेगा, इसलिए लटका हुआ पुल। ये पीछे रानी महल आपको दिख रहा है, रानी महल का खासियत क्या है ये बताइए? यहाँ के किसी लोकल व्यक्ति से पूछना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इतना दूर से आए, बहुत नाम सुने हैं, आए हैं यूट्यूब पे भी देख रहे थे, यहाँ हो सकता है हमें गूगल भी करना पड़े। ये देखिए कितना ग्रीन आ रहा है पीछे, वो पीछे का मैं दिखाता हूँ, बहुत दिल खुश हो रहा है देख के। ये जो है हैंगिंग पुल, जो है मूविंग पुल, इस पे हम लोग आ चुके हैं। ये बहुत ही अद्भुत नजारा है, ये बहुत ही अद्भुत नजारा है, और अकल्पनीय है, अकल्पनीय है, और ये हिल रहा है और मुझे डर लग रहा, ये हिल भी रहा है। पुल जो है टोटल लोहा का पुल है जो आप देख रहे हैं, और चलने पे बहुत हिल रहा है, मूव कर रहा है, जिससे भाई को थोड़ा डर लग रहा है। नीचे पानी है, नीचे पानी है, आगे से भी आपको दिखेगा वो चीज, और अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पूरा ग्रीन ग्रीन बीच में ये, और लोग इधर से उधर पार करते हैं इसके द्वारा। हाँ अच्छा है, अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा है। ये कुछ अलग तरह का, अच्छा छोटा छोटा तो हम लोग इस गए थे, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है, अगर देखिएगा आप तो काफ़ी बड़ा और बहुत ही मज़ेदार, मतलब मज़ा आ गया। अब चलते हैं वो रानी महल, रानी महल के बाद फिर हम लोग तानसेन में रुकेंगे, वो रानी तो महल। हम लोग यहाँ पे आपको रानी महल दिखा के फिर उसके बाद करेंगे खुदा हाफिज, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में तानसेन। चलिए पहले चलते हैं रानी महल, रानी महल देखते हैं रानी कैसे रहती थी।
अब हम लोग पुल के बाद जा रहे हैं रानी महल। तो ये वेलकम टू रानी महल प्रवेश। देखिए पीछे का नजारा तो बहुत ही खूबसूरत है। हम लोगों ने टिकट लिया, एक टिकट का प्राइस था 35 नेपाली, हम लोग टोटल 75। एक टिकट का था 75 और टोटल अभी कितना हम लोग थे, 12-13 आदमी है, 11 हैं। चलिए ये रानी का महल है, ये मंदिर, ये शिव मंदिर है। और धूप में काले हो गए हम, भैया अभी तक निखर रहे हैं क्योंकि ये फेयर एंड लवली लगाते हैं हम तो नहीं लगाए आज तक। और वो देखिए लगाया, हम लोग आ चुके हैं, अंदर जाएंगे रानी महल के। क्या बताना चाहिएगा यहाँ के बारे में गार्ड साहब? ये सब ठीक है, सब ठीक है। और ये मैं तारी का टोपी पहन लिया हूँ चला जाए अंदर। चलिए अंदर अंदर चलते हैं, आप लोगों को अंदर लेके चलते हैं। ये अंदर आ गए हम लोग, ये रानी कक्ष है। ये देखिए गमला न छुई दिनु होला। ये देखिए मना किया जा रहा है कि गमला को मत छुइए, ठीक है। ये रानी महल के अंदर से जो है ये बालकोनी है उनका, और ये बालकोनी से ये व्यूज आ रहा है जो काफ़ी प्यारा है। और ये देखिए हमारे भाई साहब जो है बहुत थक गए और यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। क्या भाई? हाँ बाप रे थक गए। मौसम अच्छा रहता ना तो अभी यहाँ पे कितना ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। मौसम अभी बहुत गर्मी है इस वजह से, आप आराम कीजिए। कैसा लग रहा है हवा? ठंडी हवा लग रही है, ठंडी ठंडी। इंडिया का ताजमहल, नेपाल का ताजमहल, ये नेपाल का ताजमहल है रानी महल। बहुत ही खूबसूरत है, पूरा वादियों के बीच ये ताजमहल है। इसका भौगोलिक बनावट एकदम विकट है। यहाँ ये यहाँ क्या है, इसको समझ सकते हैं। 134 वर्ष पहले ये रास्ता नहीं था। यहाँ एक एक ईंटा, एक एक काठ, ये सब बोक के खरी, ये शरीर में भारी भारी, आपको हिंदी में क्या बोलता है, बोक के खरी नहीं करता है। आदमी से बोके सब सब सामान लेके बनाए, पैसा लगाए, सब मैकेनिकल बना है। चारों तरफ से पहाड़ से गिरा हुआ गिरा है, और ये नीचे इसके बगल में नदी बह रही है। और आप लोगों ने देखा है, समझ सकते हैं कि इसको बनाने में जो भी इंजीनियर इसको उस समय बनाए हैं, कितना उनको तकलीफ का सामना करना पड़ा होगा। यहाँ के लोकल लोगों को कितना मेहनत करना पड़ा होगा। सारे लोग इसको बनाए हैं, इसका जो डिजाइन किया है काफी धन्यवाद के पात्र है। और भौगोलिक रूप से सर आपको दिखाएंगे कि कैसे ये पहाड़ों से घिरा हुआ है और कैसे उन लोगों के मेहनत के बदौलत इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत ये इस महल का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। तहे दिल से उन लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि नमन। लव यू नेपाल। नेपाल बहुत अच्छा है ना? नेपाल बहुत अच्छा है। सुनाइएगा कुछ, क्या कहना चाहिएगा आप, मतलब इंडिया के बारे में आप क्या सोचती हैं, इंडिया वालों के बारे में? हमको नहीं आता है। आप लोग इंडिया नहीं गए कभी? इंडिया कभी घूमी है? चलिए आपको विजिट विजिट कीजिए, दिल से इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। कभी आएंगे तो वैसे आपका नेपाल हम घूमते हैं, घूमे हैं, बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ बहुत बढ़िया, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, और आप लोग भी बहुत अच्छी हैं। आप एकदम हालत पूरा खराब हो गया क्या भाई? बहुत गर्मी, क्या किया जाए, गर्मी तो बहुत ज्यादा है। अच्छा लास्ट में ये बताइए, अब तो हम लोग चलेंगे रूम पे, अब आराम करेंगे, अब तो कल ही घुमा जाएगा तो रानी शाम में निकला जाएगा, शाम में फिर निकला जाएगा, लेकिन इस वीडियो को तो एंड कर देंगे। ड्रेस चेंज होगा? ड्रेस चेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या बताइएगा यहाँ के बारे में, कैसा लगा एक्सपीरियंस?
गर्मी है थोड़ा, नहीं तो बहुत ही अच्छा है। और ये जो पानी अभी गंदा है थोड़ा, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है, तो हम मिट्टी है उसमें, गंदा क्या है, मिट्टी है। तो बात की है तो बोला पूरा नीला पानी रहेगा अगर आप ठंडे के मौसम में आओ। अगर नीला पानी रहेगा तो सोचो क्या खूबसूरत नजारा होगा, ग्रीन नीला पानी और चारों तरफ ऐसा ग्रीन, बहुत खूबसूरत रहेगा। फिर बोलने लायक चीज नहीं है, तो फिर से आया जाएगा घूमने। हम लोगों को तो जब मौका मिलता है तब निकल चलते हैं। और नेपाल इंडिया तो हम लोग के लिए एकदम मतलब अपना जैसा लगता है। भैया का एक पैर इंडिया में दूसरा नेपाल में रहता है। अब मेरा जहाँ ट्रांसफर होता है वैसे ही होता है, अगल बगल वाला एक पैर जहाँ पे मेरा पोस्टिंग है दूसरा अगल बगल में, घूमते रहना चाहिए। चलिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप भी हम लोगों के साथ एंजॉय किए होंगे। चलिए तो फिर आई लव यू नेपाल, जय नेपाल, जय नेपाल, बाय बाय, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।